नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित गुलाब नगर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर रहने वाले एक 38 वर्षीय युवक ने गौवंश के साथ गलत कृत्य किया है। मामले की जानकारी जब गौवंश पालक को हुई तो उसके द्वारा घटना की शिकायत संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना समान थाना क्षेत्र स्थित गुलाब नगर की है। दिनांक को फरियादी सालिक राम जायसवाल होटल आदित्य के पास भूसे की दुकान के बाहर अपनी और बच्चिया को बांधकर कहीं चले गए। वापस सुबह तकरीबन 6 बजे जब वो गाय और बच्चिया को खाना देने गए तो बच्चिया अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। गौपालक सालिक राम जायसवाल को आशंका हुई कि उनकी बच्चिया के साथ किसी के द्वारा गलत कृत्य किया गया है, जिसके बाद घटना की शिकायत फरियादी ने समान थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस का कहना है कि फरियादी के द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि नशे की हालत में उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 377 का मामला दर्ज कर लिया गया है। शालिग्राम जायसवाल जी ने आज रिपोर्ट किया कि कल दिनांक को वो अपने गाय बच्चिया को बांधकर घर चले गए थे। आज सुबह जब आए देखे बच्चिया अचेत अवस्था में है और उसके पेशाब के रास्ते में खून बह रहा है। तब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो पता चला कमलेश रावत कल नशे की हालत में वहां घूम रहा था तथा उसका घटनास्थल के पास जो फीता मजदूरी करता है फीता पड़ा हुआ है, लोगों ने पहचान किया कि ये कमलेश रावत का है। तब कमलेश रावत के पास गए और उससे मिले तो उसने बताया कि हाँ मुझसे यह कार्य हुआ है और कमलेश रावत को राउंड अप किया गया है और उसने भी अपने जुर्म को कबूल किया है। सर, ये कहाँ का निवासी? मेडिकल के लिए भेजा गया है। ये घटनास्थल शादुसी गार्डन के वाली रोड में दाहिने तरफ की है। आरोपी सर कहाँ का है निवासी? आरोपी वर्तमान में एसके टावर के पास किराए के मकान में रहता है और इसे बड़खड़ा सिद्धी जिला का रहने वाला। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी? आरोपी की गिरफ्तारी हो गई मेडिकल के लिए। किन धाराओं के तहत? धारा 377 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।